हाय, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। देखिए, आज मैं आपको टू कलर का निटिंग डिज़ाइन सिखा रही हूँ। ये मैंने थोड़ा सा बना रखा है, न्यू बॉर्न बेबी के लिए मैं स्वेटर बना रही हूँ, तो इसी डिज़ाइन को मैं आज बनाना सिखाऊंगी कैसे बनता है। ये मैंने 10 नंबर की सिलाइयाँ ले रखी हैं और बेबी वूल ले रखी है, और मैंने ये 16 जोड़ इसमें फंदे डाल रखे हैं, और 8 सिलाइयाँ मैंने सीधी सीधी दोनों तरफ से डाल रखी हैं। तो सीधी सीधी डालने से तो हमारी ये 4 लाइनें दोनों तरफ से बनेंगी। तो देखिए कैसे बनता है ये। पहला फंदा हमने ऐसे उतार लेना है, और अब हम दूसरा रंग लगाएंगे। मैं पिंक कलर लगा रही हूँ। ये 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, और 2 फंदे हम ऐसे ही उतार लेंगे बिना बुने ही। अगले 4 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, 2, 3, 4, फिर 2 उतार लेने हैं, 4 फंदे सीधे बुनेंगे। ऐसे ही पूरी सिलाई हमने रिपीट करते जाना है। 2 फंदे उतारने हैं, 4 फंदे दूसरे रंग से बुनने हैं। ये देखिए, ये फंदा ऐसे उतार लेंगे। अब क्या करना है, अगली रो में आ गए हम। इसको जो नहीं बुना है हमने उसको ऐसे उतार लेना है, जो बुने हुए फंदे हैं उनको फिर से बुनना है। ये ग्रीन वाले ऐसे उतार लूँगी। अब हमारा ये डिज़ाइन डलेगा। देखिए कैसे बनेगा ये। पहला फंदा हमने ऐसे उतार लेना है, दूसरा फंदा भी हम ऐसे ही उतार लेंगे, अब क्या करना है, ये जो 2 फंदे हैं इनमें से एक हम पहले हम उठा के बुन लेंगे। ये इस रंग से हमने बुनना है अब, और बाद में इस वाले को बुनना है ऐसे। अब क्या करना है, ये पीछे से उठाना, हमने पहले इसको बुनना है, ये उठा लिया, फिर हमने ये पहले वाला बुनना है। ये हमारा ऐसे बनेगा। अगले 2 फंदे जो हैं ये ऐसे उतार लेंगे, फिर से हमने यही रिपीट करना है। पहले हमने पीछे वाला फंदा उठा के बुन लेना है सीधा ही, और फिर बाद में ये वाला बुनना है, और इस वाले को पीछे वाले को पहले बुनना है, पीछे से उठाना है इसको ऐसे, और फिर बाद में इस वाले फंदे को बुनना हमें। तो हमारा ये ऐसे बनेगा डिज़ाइन। ये देखिए, अगले फंदे हम ऐसे ही उतार लेंगे, फिर से हमने वही रिपीट करना है। पहले पिछले वाला फंदा बुन लेंगे, और फिर अगले वाला बुनना है, और पीछे से उठाना हमने साथ से, ये आगे वाला हमने बाद में बुनना है। अगले 2 फंदे ऐसे उतारने हैं। ये देखिए, बहुत इजी डिज़ाइन है ये, और बनके बहुत सुंदर लगता है। छोटे छोटे बच्चों के स्वेटर पर आप डालो, बनाओ, और ये देखो पहले ये बुन लिया पीछे से उठा के, फिर ये आगे वाला, और ये पीछे से बुनना हमने ऐसे उठाना है।
पीछे से ऐसे थोड़ा लूज रखना है और फिर आगे वाला बुनना है। ये देखिए ये हमारा डिज़ाइन बन गया। अगले वाला फंदा हम ऐसे उतार लेंगे, इससे अगले वाले फंदे को हम बुन लेंगे। अगली सिलाई क्या करना है, पूरी सिलाई हमने उल्टी उल्टी बुन लेनी है। ये देखिए अब हमने सारे फंदे बुन लेने हैं। मैंने इसमें दो रंग यूज़ करे हैं, आप चाहे तो एक रंग और लगा सकते हो। ये हमारी उल्टी सिलाई भी बुन के कंप्लीट हो गई है। अब क्या करना है, पहले हमने यहाँ पे एक फंदा हमने ये लिया था, अब हमने यहाँ पे दो फंदे लेने हैं और ये जो फंदे हैं ये हमने, अभी बताती हूँ मैं आपको, अब हमने ये चार फंदे पिंक के लेने हैं। पहले हमने एक फंदा ही लिया था, अगले दो फंदे हमने पिंक के बुने थे। अब हमने जब अगला डिज़ाइन शुरू करना है उसमें हमने ये दो लेने हैं, अगले फिर हमने चार हमने पिंक बुनने हैं। पहली सिलाई में हमने दो बुने थे तो अब हमने ये चार पिंक बुनने हैं और ये अगले वाले दो ऐसे ही उतार लेने हैं। ऐसे पूरी रो हमने कंप्लीट करनी, बाकी ये डिज़ाइन जैसे मैंने नीचे बनाया है वैसे ही बनेगा। देखिए बस यहाँ से हमने थोड़ा सा ध्यान रखना है, पहले हमने एक फंदा लिया था ये ब्लू कलर का, अब हमने दो लेने हैं और ये जो डिज़ाइन बना हुआ है इसके ऊपर हमने पहले चार पिंक बुने, पहले हमने पहली वाली सिलाई में दो बुने थे। तो ऐसे ही हमारा ये आगे तक चलता जाएगा डिज़ाइन। तो बहुत इजी है, आप भी बनाइए अपने छोटे छोटे बच्चों के स्वेटर पे। मैं ये स्वेटर कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी पूरा, जब बन जाएगा इसकी कैप और मोजे वगैरह बना के साथ में तो मैं आपको दिखाऊंगी। देखो कितना प्यारा डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया हो और बनाने का तरीका पसंद आया हो, आपको समझ आ रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।